फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यूपीए सरकार के डाटा मैनेजमेंट और जीएसटी में हिस्सेदारी का हिसाब किताब एक निजी कंपनी को सौंपने के फैसले की समीक्षा करने की अपील की है। यूपीए सरकार ने टैक्स कलेक्शन पर नियंत्रण के लिए गुड्स और सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन बनाया था, जिसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। स्वामी ने इस पत्र में कहा है कि इस संवेदनशील काम को प्राइवेट कंपनी को सौंपकर पिछली सरकार ने बड़ी चालाकी से काम लिया। जीएसटीएन एक गैर सरकारी कंपनी है जिसे केंद्र और राज्यों में स्थापित किया गया है। ये कंपनी इसलिए बनाई गई है ताकि केंद्र व राज्य सरकारों करदाताओं व अन्य भागीदारों को साझा आईटी बुनियादी ढांचा व सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। पाकिस्तान के क्वेटा में स्थित अल खैर अस्पताल के पास आज जोर का धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बचाव दल के लोगों का कहना है कि बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी क्वेटा में हुआ ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए। हालांकि पुलिस धमाके से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर धमाके से जुड़े सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। राहत और बचाव दल ने घायलों को अस्पताल में ले जाने का काम भी शुरू कर दिया है। इससे पहले सोमवार को क्वेटा में ही सिविल अस्पताल में हुए धमाके में तकरीबन 100 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर वकील और पत्रकार थे। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के बैंक अकाउंट्स में पिछले 3 सालों में 3 अलग-अलग देशों से 60 करोड़ रुपए आए हैं। नाइक के परिवार के सदस्यों से जुड़े 5 बैंक खातों में ये रकम जमा की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि हम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये रकम किस मकसद से जमा की गई है। हमने जांच की और इस लेन देन का पता लगाया। अधिकारी ने साफ किया कि ये बैंक खाते नाइक के एनजीओ से जुड़े नहीं हैं, बल्कि उसके अपने हैं। हालांकि इस सिलसिले में IRF के दूसरे अधिकारियों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाने की मांग लेकर लगभग 16 सालों तक संघर्ष करने वाली इरोम शर्मिला अब समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहती है। उनका कहना है कि अगर लोग उन्हें राजनेता के रूप में खारिज कर देंगे तो वे शादी कर लेंगी। शर्मिला ने हाल ही में अपना अनशन तोड़ने की घोषणा के साथ ही ये भी कहा था कि वे अगले साल मणिपुर में होने वाले चुनाव में उतरेंगी और शादी भी करेंगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शर्मिला ने कल कहा कि वे अपने निजी जीवन पर तब ध्यान देंगी जब लोग उन्हें नेता के रूप में नकार देंगे, जिसके बाद जिंदगी का नया अध्याय शुरू करते हुए वे शादी कर लेंगी। JNIMS अस्पताल में भर्ती शर्मिला ने बुधवार को हॉलिक्स के साथ सूप भी पिया। हालांकि उन्होंने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वे अस्पताल से निकलकर कहां जाएंगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर बना पुल ढह जाने से पानी में बही 2 बसों का मलबा नदी से निकाल लिया गया है। नेवी टीम ने नदी से बसों का मलबा निकाला है। नदी से अब तक 26 शव निकाले जा चुके हैं। महड़ पुल ढहने से 2 बसें और 2 कारें 2 अगस्त को लापता हो गई थी। बसों का मलबा पुल से लगभग 170 और 200 मीटर की गहराई में मिला है। महाराष्ट्र के महाड़ में एडिशनल SP संजय पाटिल ने बताया कि पिछले 8 दिनों से नदी में गिरी बसों को खोजने का काम जारी था। नेवी टीम ने आखिरकार बसों का मलबा ढूंढ निकाला है। डीजल से चलने वाले इंजन वाली रेलगाड़ियों की जगह भारतीय रेलवे जल्द ही तेज रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों को पटरियों पर उतारने जा रही है। रेलवे ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है और छोटे रूटों पर डीजल इंजनों की जगह इलेक्ट्रिक MEMU ट्रेन उतारने शुरू कर देगी। इसका उद्देश्य ट्रेनों की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने और डीजल से फैल रहे प्रदूषण को कम करना है। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करने से ईंधन पर होने वाले खर्च पर कटौती होगी, क्योंकि बिजली सस्ती पड़ती है। ये पहल मिशन रफ्तार का हिस्सा है, जिसका ऐलान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस साल रेल बजट में किया था। अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि IS की स्थापना में ओबामा का हाथ है। मध्य पूर्व से लेकर यूरोपियन शहरों में IS का खौफ ओबामा की बदौलत ही है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को उनके पूरे नाम बराक हुसैन ओबामा से संबोधित किया। फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि IS का संस्थापक कोई और नहीं, ओबामा ही है,
उन्होंने कहा कि हिलेरी क्लिंटन आईएस की सह संस्थापक है। राष्ट्रपति ओबामा के घोर विरोधी डोनाल्ड ने उन पर पहले भी कई आरोप लगाए हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।